अस्सलामुअलैकुम। देखो, नोट करो, तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, जो डिप्रेशन एंजाइटी पड़ रही है, बिकॉज के तुम कुछ पढ़ रहे हो और कुछ भी कर रहे हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर तुमने आर्टिकल पढ़ लिया, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, टैब्स खुले हुए बहुत सारे, उनको स्टडी कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन कोई काम है तुम्हारा जो तुम्हें करना है क्लाइंट का, और वो तुम नहीं कर रहे। डेफिनेटली काम आपको पता है, ये टास्क है जो आपने करना है, वो आप पेंडिंग किए हुए हो। अब उस पेंडिंग करने का रीज़न ये हो सकता है कि उसमें कोई आप या तो खुद सुस्त हो, लेजीपन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो नहीं कर रहे, या अभी डेडलाइन बहुत दूर है इसलिए भी सुस्त हो सकते हो, या फिर उस क्लाइंट के जो काम है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, राइट, और मुश्किल लग रही है। तो उस मुश्किल से निकलने के लिए, ब्रेक लेने के लिए आपने सोचा यार अभी करता हूँ, दिल में ख्याल आया, अब इधर से उधर उधर ट्रेवल करते हुए निकल गए, कुछ पढ़ने लग गए, ट्रेवलिंग कर ली, मतलब के टैब्स वगैरह खोल लिए ब्राउज़र के। तो ऐसा होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, और मतलब कोई ऐसी बात नहीं। मैं अगर इतना मतलब बहुत सारे काम करता हूँ, क्लाइंट के लिए भी काम किए, फ्रीलांसिंग किए, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, और अभी रिसेंट ऐसा ही हुआ है। तो एक मतलब इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी। वो क्या है कि एक क्लाइंट का एक काम है जो मुझे पता है मुझे करना है, लेकिन मैं मुसलसल रिसर्च के चक्कर में इधर उधर टैब्स खोलता हुआ वीडियो देख रहा हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, अब उससे प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है। प्रेशर किस लिए आ रहा है कि मुझे पता है माइंड में कि एक काम है जो मैं नहीं कर रहा और वो खुला हुआ है, मुझे पता है वो मुझे ख़त्म करना है पर मैं नहीं कर रहा। तो पिछले 1-2-3 दिन से इसी तरह किया, तो क्या हो रहा है, आपका टाइम तो ज़ाया हो गया ना, चाहे बहुत कुछ आप पढ़ रहे हैं लेकिन वो टास्क नहीं हुआ। इसी वजह से अगर आप ऐसा करते रहोगे तो एट द एंड होता क्या, ये चीज़ स्टैक करती आती है एक के ऊपर, 1-2-3 दिन पर दिन गुजरते आते हैं, आखिर में डेडलाइन आ जाती है जब काम ख़त्म ना हो, तो एक अलग इशू हो जाता है। ये क्लाइंट आपको आकर जो है ना डांट दे या रिक्वेस्ट करे कि भाई क्या हुआ, कहाँ है अपडेट, क्या है, तो खैर वो तो एक अलग बात है। अब वो आपको प्रेशर देता है, तो ये जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जो परेशानी हो रही है कि यार मैं क्या करूं, तो भाई आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, आपको फोकस बनाना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट अपना बदल लो, अगर शोर शराबा है तो वहाँ जाओ जहाँ पे साइलेंस हो, सुकून हो, कोई पैक इन्वायरमेंट हो, थोड़ा सा बहुत खुला इन्वायरमेंट ना हो, कमरा हो कहीं बंद हो, जहाँ पे आप मतलब ऐसा फील करो कि आप पैक हो चुके हो, ठीक है। इंट्रोवर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ ना, अगर आप इंट्रोवर्ट हो उसी पे मेरा सलूशन है, इंट्रोवर्ट हो और ये इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, तो उसके बाद आप अपना उस काम पे फोकस लगा दो, बाकी सब कुछ बंद कर दो, सारे टैब वगैरह आपको बंद करने पड़ेंगे। आपको उस चीज़ को ख़त्म करना है जो आपको ख़त्म करना है, द वन टास्क जिससे आप भाग रहे हो, उस परेशानी से जिससे आप भाग रहे हो उसको फेस करो, उसका सामना करो, और उसके बैठ के घूरो कि इसको करना, और उस परेशानी को एक एक करके छोटे छोटे स्टेप में शुरू हो जाओ, उसके स्टेप को देखो, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, शुरू करो, ये करना पड़ेगा, वरना सोचते रहोगे, टाइम गुजरता रहेगा, दूसरी चीज़ों में टाइम लगा दोगे, और एट द एंड दिन गुजर जाएगा, आपका टाइम गुजर जाएगा, आपको नींद आ जाएगी, फिर एक नया दिन शुरू होगा, फिर आपकी परेशानी और ख्याल उसमें रहेंगे दिमाग में, जब तक कि आप उसको रिलीज़ ना करो। असल वीडियो बनाने का जो मकसद वो ये था, ये बताने का कि वो जो आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, काम छोड़ छोड़ के जो बेचैनी आ रही है, वो एक इंडिकेशन है, वो एक साइन है, वो आपको रिमाइंडिंग दे रहा है, वो एक अलर्ट कर रहा है आपको, यू हैव टू डू समथिंग, बट आप नहीं कर रहे। तो जब आप नहीं करोगे, जब तक आपका मसला हल नहीं होगा, जब आप कर लोगे तो आपको खुशी होती है, हुआ होगा माजी में आपने बहुत से काम किए होंगे, ऐसे कितना रिलीफ मिलता है, कितना स्ट्रेस निकलता है कि वाओ अरे यार हल्का हो गया, एक परेशान निकला, दैट्स द थिंग। ये आपने करना है, अपना ख्याल रखना। मैं तो ज़ीशान अरशद, अल्लाह हाफिज़।